नगर थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में प्राथमिकी नामजद अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कटिहार पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार के आदेश अनुसार कांड में फरार अपराधियों के विरुद्ध अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश के नेतृत्व में आयोजित विशेष समकालीन अभियान के अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना कांड संख्या 248/22 के प्राथमिकी अभियुक्त मोहम्मद मुन्ना को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना में प्रयुक्त टोटो के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले कि विगत माह में रामपाड़ा चौक स्थित चॉकलेट बिस्किट के होलसेलर दुकान में दिन दहाड़े पिस्तल के बल पर लूटपाट की घटना की गई थी। इस मामले में दो अपराध कर्मियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को लूटे गए रुपए के साथ पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं नगर थाना कांड संख्या 232/21 आर्म्स एक्ट के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त मोहम्मद समीम उर्फ सेमुआ को गिरफ्तार किया गया है। विदित हो गए सेमुआ के घर से दिनांक 8/5/21 को गुप्त सूचना के आधार पर अवैध हथियार गोली बरामद हुआ था। छापेमारी के दौरान सेमुआ चकमा देकर फरार हो गया था। इस मामले में वह लगातार फरार चल रहा था। बीते रात्रि उसे इस्लामपुर स्थित उसके ससुराल से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उक्त दोनों ही गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। दोनों गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गई है। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने कई अहम खुलासे किए हैं, साथ ही दोनों के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। छापेमारी टीम में पुलिस निरीक्षक राघवेंद्र कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष नगर थाना, एसआई मुकेश कुमार, एसआई मनोज कुमार भारती, एसआई श्री नारायण सिंह, एसआई राम रतन कुमार, पंकज प्रताप, सुनील कुमार, एएसआई सत्येंद्र